मैं स्तब्ध हूं। इस प्रकार से कोई भी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है और इतनी बड़ा मैं कहूंगा कि एक नाटक कर सकती है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया, चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है, और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहां पर किसी का फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राष्ट्रभक्त देशभक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। निश्चित रूप से ये हमेशा लोकतंत्र के काले अध्याय में इसको लिखा जाएगा। मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी साजिश थी कि आज कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में जब जो है मुख्यमंत्री को उनका प्रोटोकॉल जाता है, प्रधानमंत्री जी की सारी जो प्रोग्राम होते हैं वो जाते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घोर लापरवाही करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से करें। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।